हेलो फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। हम लोग जिस मुंबई एयरपोर्ट पहुँचे हैं, यहाँ से हमारी फ़्लाइट है 5 बजे की फॉर चंडीगढ़। ये हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप है और इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है हिमाचल हाइकर्स। इस ट्रिप पे जो है हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पहले शिमला, शिमला के बाद हम जाएंगे मनाली, मनाली से फिर हम जाने वाले हैं कसौल, कसौल से फिर धर्मशाला एंड देन लास्ट में हम लोग जाने वाले हैं डलहौजी और वहाँ से फिर बैक टू चंडीगढ़। सो ये जो हमारी पूरी ट्रिप है ये तकरीबन 13 डेज से 14 डेज की हमारी ट्रिप है और आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो इस ट्रिप को। सो एक एक एपिसोड जो है वो मिस मत करना बिकॉज ऑल is going to be fun. Till then, hello guys, welcome to our channel. My name is VJ and you're watching Long Distance Travelers. So these are the benefits of being wife of Mr. Viral Jain. He owns a HDFC Regalia card, so we are eating all of these food in just 2 rupees. So guys, finally हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट और यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो है 6 degrees. बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा फन है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके लगेज वगैरह कलेक्ट करके उसके बाद में हम लोग जाएंगे। हमारा ड्राइवर जो है वो बाहर वेट कर रहा है। लेट्स गेट आउट। से सामान निकाल दिया ना, मुझे मेरे कैमरा का है ना अलग से पूरा बैग चाहिए। पहला बैग मैं आगे रख रहा हूँ। ऑल सामान पैक्ड। अब वी आर हेडिंग टू शिमला। इधर की कैमरा बैग पैक हो गई है मेनली। अच्छा राकेश भाई, अब हम शिमला जा रहे हैं तो ज़रा बताएंगे आज हमको कहाँ कहाँ घुमाने लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, पहले हम यहाँ से शिमला निकल रहे हैं। रास्ते में अगर कहीं किसी का चाय पीने का मन होगा तो हम चाय पी लेंगे, अगर कोई ब्रेकफास्ट करेगा तो वो ब्रेकफास्ट कर लेगा, मैं तो करूँगा नहीं क्योंकि मेरा आज फास्ट है। किस चीज़ का? ये मंडे। अच्छा, सोमवार का। अच्छी अच्छी बीवी मिले उसके लिए कुछ भी समझ लो फिर उसके बाद हम थोड़ा जब सोलन के आगे निकलेंगे, रास्ते में आता है एक संकट मोचन मंदिर आता है, वहाँ जाएंगे। उसके बाद रिज मॉल रोड पे जाएंगे। अच्छा, फिर अगर टाइम बचता है हमारे पास थोड़ा हम वहाँ का घूम लेंगे, इधर उधर अनाडेल हो गया, एडवांस स्टडी हो गया, म्यूजियम हो गया। उसके बाद हम फागू निकलेंगे, वहाँ पे हम होटल में अपना चेक इन करेंगे। जैसे यहाँ पे पहाड़ चालू हो गए, हिमाचल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे पहाड़ पहाड़ दिख रहे हैं। अभी से एकदम बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे और फीलिंग है कि ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़ तो है नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि ऊपर मनाली में बर्फ़ हमको मिलेगा, शिमला में भी बर्फ़ नहीं है फ़िलहाल। होपफुली 6 जनवरी 5 जनवरी ऐसा बोल रहे हैं कि बर्फ़ यहाँ पे होने वाली है, स्नोफॉल यहाँ पे बहुत हैवी। लेट्स होप हमको विटनेस करने मिलता है या नहीं ये। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकफास्ट हॉल लेने के बाद अभी हम आगे जाने वाले हैं शिमला की तरफ। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो राकेश भाई ने बताए हैं जहाँ पे हम घूमने वाले हैं, देखते बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। छोले कुलचे यहाँ की फेमस आइटम है जो अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। भैया क्या क्या पड़ता है इसमें? चने, आलू, प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू, मिर्च, मसाला, धनिया, पुदीना। अब पुलाव क्या है? और ये अलग से छोले, ये कुलचा।
छोले कुलचा ऐसे बन के आता है। तो फाइनली ये प्रोडक्ट रेडी हो गया है, छोले कुलचा। अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। कैसा है? Yummy, yummy and my tummy. आपका नाम क्या है? नवल किशोर मिश्रा। कब से सैंडविच बना रहे? 18 साल। 18 साल से यहीं पे। आपका सैंडविच सच्ची में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा टेस्ट में, मतलब बहुत अच्छा। ये जो मॉल रोड है बस इसके ही कोने में यहाँ पे बैठते हैं। आपका नाम एक बार फिर से बताएंगे? नवल किशोर मिश्रा। फाइनली हम पहुँच गए शिमला। यहाँ से हम मॉल रोड घूमने वाले हैं और 3-4 अट्रैक्टिव प्लेसेस है यहाँ पे जो हम विजिट करेंगे। फिर मॉल रोड घूमने के बाद हम जाएंगे रोपवे में। कहते हैं कि वहाँ से पूरा शिमला दिखता है। एंड जस्ट इमेजिन कि वहाँ से अगर हम ड्रोन शॉट्स कैप्चर करेंगे तो कैसे लगेगा। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च यहाँ पे इन मॉल रोड। कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। एक मन्नत तो मेरी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, दूसरी मन्नत अभी भी पेंडिंग है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो आपको बताऊँगा बाद में। I'm so sorry but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry but I'm not able to slow down now. अभी जस्ट हम चर्च विजिट करके आए हैं एंड इतना पीसफुल प्लेस है चर्च। देर इज वन स्वीट स्टोरी लिंक्ड टू चर्च। 11 years back जब वीरल ने मुझे प्रपोज किया था, दैट इज़ 19th of August 2010। सो तभी आई आस्क्ड हिम फॉर वन डे कि लेट मी थिंक एंड ऑल। तो तभी आई वेंट टू चर्च एंड आई आस्क्ड गॉड कि शुड आई टेल हिम अ येस और अ नो, और कल जब मैं उससे बात करूँगी तो जो भी मेरे मुँह से निकलेगा दैट विल बी माई लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर मी। एंड टुडे आई वुड से दैट आई डोंट रिग्रेट ऑन माई डिसीजन। आई एम द हैप्पीएस्ट गर्ल इन दिस वर्ल्ड टुडे एंड आई लव हिम सो मच। सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे ड्रोन सेट कर रहा था उड़ाने के लिए, बिकॉज व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मैं नहीं कर पाया। एक दो लोग ने मुझे यहाँ पे बोला कि इसके पहले भी इंसिडेंट हो गया था, ड्रोन यहाँ पे उड़ाना बैंड है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज यहाँ पे आर्मी का कुछ म्यूजियम है या समथिंग और दी अदर बेस कैम्प है शायद से, दैट इज़ वाई इट्स नॉट अलाउड। बट अच्छा हुआ। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे एक रूमर भी स्प्रेड हुआ है कि कहीं तो बॉम्ब स्पॉट होने वाला है, एनीथिंग, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए सारी चीज़ें, इसीलिए वो लोग परमिशन भी नहीं दे रहे हैं। एंड अच्छा हुआ बिकॉज मुझे पता चला कि 5,000-10,000 ऐसे फाइन हो जाता है। सो मूड ऑफ नहीं करना था यहाँ पे। एंड रोपवे पे भी हम लोग ड्रोन के शॉट्स यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, बट ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फिर भी मैं बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक यहाँ पे व्यू, सिनेमैटिक व्लॉग लेके आऊँगा। फोटोज़, वीडियोज़ जो भी है वो आपको बहुत अच्छे से देखने मिलेंगे। सो आप लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉच द वीडियो। I'll take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong. So guys, अभी हम जा रहे हैं रोपवे में। यहाँ से पूरा शिमला दिखता है, सो ऊपर से हम लोग मज़ा लेंगे। 550 rupees पर पर्सन का यहाँ पे टिकट है ऊपर तक जाने के लिए चाकू, और वहाँ पे चाकू मंदिर भी है, वो भी शायद देखने जैसा अट्रैक्शन होगा। चलो लेट्स हेड टू चाकू। अब हम पहुंच गए हैं जाकू मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है। जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख सकते हो, बहुत ही बड़ी मूर्ति है यहाँ पे हनुमान जी की। एंड सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे खड़े रह के और इनको देख के
बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है एंड मतलब हम लोग चाह रहे थे फोटोग्राफी यहाँ पे करने के लिए एंड यहाँ से व्यू पूरा यहाँ पे शिमला दिख रहा है। बट द थिंग इज यहाँ पे पेड़ इतने बड़े बड़े हैं एंड वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और हम लोग वो फोटो निकाल नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी गाइज विल ट्राई आर लेवल बेस्ट कि हम लोग वीडियो और फोटो बहुत अच्छे से निकाल पाए और आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करो। Yes. Right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. और अभी हम जस्ट लौटे हैं रोप वे से। द एक्सपीरियंस वॉज रियली ऑसम। क्या है, हमारे साहबजादे ज़रा बिजी है फ़ोन पे। हनीमून पे भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, बिजी रहते हैं। बट डोंट वरी यू गाइज, मैं हूँ ना आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। शोना, अब कहाँ जाना है? अब हम जा रहे हैं यहाँ के फेमस मोमोज खाने के लिए और हमारे व्यूअर्स को जलाने के लिए। अब टेस्ट करते हैं फ्राइड मोमोज। बहुत पहली बार लाइफ में खा रहा हूँ मैं। वाह, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है भाई, बहुत ही बढ़िया। गर्मा गर्म मज़ा आ गया। सो गाइज, फाइनली हम स्टे में पहुंच चुके हैं अपने। सुबह से हम शिमला में थे और अब हम जाके अपने स्टे पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको अब नहीं बताऊंगा कि ये जो स्टे है वो क्या है, कैसे है, ये प्रॉपर्टी कैसी है, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं इस प्रॉपर्टी को कैप्चर करने वाला हूँ, ड्रोन के साथ भी कैप्चर करने वाला हूँ और यहाँ से जो आपको व्यू दिखेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सो अगली वीडियो जो है वो ज़रा भी स्किप मत करना अगर आपको जानना है इस प्रॉपर्टी के बारे में। बिकॉज ट्रस्ट मी, जब आप नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉपर्टी को देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और यहाँ से जो व्यू दिखता है अगर आप वो देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए अगला वीडियो जो है वो ज़रा भी मत मिस करना। टिल देन, गुड नाइट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपके कुछ व्यूज़ है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो कॉमेंट कर दे। और उसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है हिमाचल हाइकर्स 2022, ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।